तो दोस्तों ये है ओप्पो का एक ओरिजिनल मोबाइल ओप्पो F11 जिसकी मार्केट में आपको प्राइस मिलती है 39,000 रुपए और सेम इसी शेप का आपको मार्केट में मिल जाता है 20,000 में। वो क्या कहानी है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो दोस्तों मैं आया हूँ आपके लिए आज की इस वीडियो में एक नया रिव्यू एक नए मॉडल के साथ ओप्पो F11। बात करेंगे हम इसके फीचर्स की, इसके फंक्शंस की और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आपको ये बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मेरा नाम है फादहान और मैं लाता हूँ आपके लिए नए नए मोबाइल का रिव्यूज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्राइस की। आपको मार्केट में ये 39,000 का मिल जाएगा। सेकंडली बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसकी बॉडी है, जो इसका वेट है, आपको 190 ग्राम इसका वेट मिलता है और आपको स्लिम शेप में ही मिल जाता है। और जो इसका स्क्रीन साइज है वो आपको 6.5 इंच मिल जाता है और वीडियो रेजोल्यूशन के लिए आपको 1080 मिल जाती है। और इसके अंदर जो आपको एंड्रॉइड वर्जन मिलते हैं वो 9, 10, 11 तक ही मिलते हैं। उसके बाद इसके अंदर वर्जन खत्म हो गए, इसकी अपडेट कंपनी ने बंद कर दी। चूंकि ये पुराना मॉडल लेकिन ये सेल आउट अभी तक हो रहा है। 2024 में ये मॉडल चल रहा है लेकिन कंपनी ने इसकी अपडेट खत्म कर दी है। और इसके अंदर जो सीपीयू है वो आपको मीडिया टेक मिलता है जो कि अच्छा प्रोसेसर है, आपको नॉर्मली अच्छा वर्क देता है। मेन कैमरा इसका आपको 48 मेगापिक्सल का मिल जाता है और जो इसका फ्रंट कैमरा सेल्फी कैमरा है वो आपको 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है। वाईफाई ब्लूटूथ के जो फंक्शन है वो नॉर्मली मोबाइल की तरह मिलते हैं। 8.2 वर्जन मिल जाता है, 0.5 वर्जन मिल जाता है। ये ब्लूटूथ के वर्जन होते हैं, इनकी इतनी क्वालिटी या इतने फंक्शंस नहीं होते, लिहाजा वाईफाई के जो फंक्शंस हैं वो 802 बेहतरीन फंक्शंस हैं। यूएसबी इसके अंदर आपको 2.0 मिल जाती है और इसका जो चार्जिंग जैक है वो आपको नॉर्मल जो जैक है वो मिल जाता है। और सबसे जरूरी चीज जिसके लिए आप लोग मोबाइल बाय करते हैं, मोबाइल फोन की बैटरी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मोबाइल फोन की बैटरी 2 घंटे में 3 घंटे में खत्म हो जाती है तो उतने बड़े आपको अमाउंट पे करने का कोई फायदा नहीं होता जब तक कि आपके फोन की बैटरी अच्छी ना हो। तो आपको जो इसके अंदर बैटरी मिलती है वो आपको 4000 mAh मिलती है जो कि अच्छी बैटरी। और अगर आप प्रॉपर नेट यूज करते हैं तो नेट पे आपका ये 8 से 10 घंटे आराम से निकाल जाता है। और इसके अंदर जो आपको कलर मिलते हैं आपको थंडर ब्लैक और ओरोरा ग्रीन जो आप देख रहे हैं आपको कलर मिल जाता है। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको बैक पे मिल जाता है। बैक इसकी आपको प्लास्टिक में मिलती है और साइड से जो इसकी बॉडी है वो बॉडी आपको जो है स्टील में मिलती है। अब ये थे सारे फंक्शन जो मैंने आपको इस फोन के बताए। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि आपको ये फोन खरीदना चाहिए या फिर आपको नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मोबाइल ओप्पो की कंपनी ने 2019 में लॉन्च किया, ठीक है, और 2021 तक इसकी जो अपडेट है वो चलती रही है। उसके बाद कंपनी ने ये मॉडल बंद कर दिया क्योंकि एक मॉडल अच्छा है और ज्यादा चलने वाला है, हर बंदा जो है इसको ज्यादा लाइक करता है, इसलिए अभी तक चल रहा है। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें दो मोबाइल आते हैं, एक आपको ओरिजिनल वर्जन मिलता है और एक आपको कॉपी मिलता है। अब आप उसमें डिफरेंस मालूम नहीं कर सकते कि ये कॉपी कौन सा है और ओरिजिनल कौन सा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह पहचान कर सकते हैं कि ओरिजिनल मोबाइल कौन सा है और कॉपी मोबाइल कौन सा है, ताकि आप किसी भी फ्रॉड से किसी भी स्कैम से बच सके। मैं नहीं चाहता कि आप फर्स्ट टाइम मनी इन्वेस्ट करें और किसी भी स्कैम या फेक बंदे के पास आपकी मनी चले जाए और आप एक अच्छी चीज बाय न कर सके। फर्स्ट बात जो मैंने आपको मॉडल रिव्यू कराया 2024 में, ये आपको किसी भी जगह से कंप्लीट बॉक्स नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी ने इसी कंप्लीट बॉक्स 2021 में ही बंद कर दिया था। आपको ये यूज में मिलेगा मार्केट में, उसके अलावा आपको ये नया नहीं मिलेगा। लेकिन मार्केट में नए भी मिल रहे हैं वो कौन से हैं, वो है फेक मोबाइल सेम इसी शेप के होते हैं, लेकिन आप उसमें जज नहीं कर सकते कि इसका ओरिजिनल कौन सा है और कॉपी कौन सा है। तो आपने इस तरह करना है कि आप जब भी मोबाइल बाय करें उसका आईमी नंबर जो पीटी की एप्लीकेशन है वहां पे इंटर करें। उस एप्लीकेशन के ऊपर जब आप इंटर करेंगे सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि आपका मोबाइल पीटी अप्रूव है या नहीं है। जब आपका मोबाइल पीटी अप्रूव होगा साथ ही उसके मॉडल लिखा होगा। अगर आपका यही मॉडल शो हो रहा है ओप्पो F11 तो आप वो बाय कर लें। अगर वो आईमी नंबर किसी और मोबाइल का शो हो रहा है तो ये समझ लें कि ये फेक मोबाइल है, उनने जो नंबर है उसके ऊपर अलग से रजिस्टर्ड करके डाला हुआ है, वो आपने बाय नहीं करना। सिर्फ यही एक मेथड है कि जिसके जरिए आप पहचान सकते हैं कि ओरिजिनल कौन सा। मोबाइल्स के लिए यही प्रोसेस है, आप इसी तरह से हर मोबाइल को चेक कर सकते हैं। तो किसी भी मोबाइल को चेक करने के लिए ये कॉपी है या ओरिजिनल है तो आपको पीटी की एप्लीकेशन रखनी होगी। या आपको वेबसाइट का नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं किसी भी मॉडल को और अपने मोबाइल का टैक्स भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा काम सिर्फ मोबाइल रिव्यूज करना ही नहीं था बल्कि आपको इन्फॉर्म करना था कि आपको किस तरह का मोबाइल बाय करना चाहिए और ओरिजिनल कौन सा होता है और फेक कौन सा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस करते जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोबाइल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।